हाल से लोग अच्छे हो ना? बस वैसे ही। तो बेसिकली आज हमारा बनने जा रहा है चिली चिकन, क्योंकि कुछ कमेंट्स में आए थे मेरे दोस्त लोग भी, कुछ बोले थे कि आप चिली चिकन क्यों नहीं बनाते। तो उनके लिए आज मैं खास चिली चिकन बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा ये होने वाला है, क्योंकि आप समझ नहीं आएंगे क्या बोलना चाहते हैं। तो हम उसका पूरा जो रेसिपी है वो कैसे बनाते हैं, इजी में कैसे बनाते हैं। तो बाय द वे इंस्टेंट नहीं बन सकता है, तो उसके लिए हम सॉरी कैसे बनता है एंड इजीली कैसे बन सकता है, तो हम इसके बारे में बताएंगे। एंड इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखाता रहूंगा कैसे हम बनाते हैं कैसे नहीं। तो चिली चिकन के लिए एग्जाम्पल बोले कि आज संडे है तो सुबह तो चिली चिकन बनाओ, तो हम आज बनाने वाले हैं आपके लिए स्पेशली चिली चिकन। थोड़ा सा वीडियो भी बना देंगे आपके लिए, मतलब ईजी हो जाएगा, तो आप देखते रहिए बस हाँ करेंगे। तो मेन चीज ये है कि जो चिकन, जो हम चिली चिकन बनाने वाला है, तो उसका पीसेस कैसे रहेगा? तो मैंने इसका पीसेस ऐसा बनाऊं जैसे मतलब छोटा छोटा क्यूब के टाइप के जैसे होता है, वैसे ही हमको बनाना है। तो अगर बड़ा बड़ा पीसेस करेंगे तो उसको पकने में ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा तेल भी पी लेगा, तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपको। तो छोटा छोटा पीस करिए, वो पक भी जाएगा जल्दी एंड हमारा इजिली भी बन जाएगा। तो हम इसके ऊपर भी क्या क्या इंग्रेडिएंट डालेंगे आप वो देखते रहिए बस, और कुछ नहीं। हमारा है मैदा, हम इसके ऊपर मैदा डालेंगे, क्योंकि मैदा डालने से ही इसका स्टफिनेस आता है। तो मैदा के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे 3 ठो अंडे, वो भी कच्चे वाले। अंडा फोड़ेंगे पहले, इसके ऊपर 3 ठो अंडा फोड़ना, ज्यादा ज्यादा नहीं करना, ठीक है? तो एक अंडा, ये दूसरा अंडा, ये तीसरा अंडा, अंडे सिर्फ 3 ठो अंडे ही चाहिए हमको, और कुछ नहीं। इसके बाद जो मसाला आता है हम आपको दिखाते रहेंगे क्या क्या मसाला है। तो पहला जो मसाला है वो हमारा नमक है, तो नमक स्वाद अनुसार 1.5 टीस्पून। तो उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, जो कि होता है बहुत ज्यादा हल्दी, तो थोड़ा हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, सब ब्लैक पेपर। मसालों में हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है लहसुन, तो हम इसे लहसुन को ग्राइंड नहीं करेंगे, इसको हम चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। चॉप करने के बाद लहसुन है इसके ऊपर डाल देंगे, अदरक का भी होता है तो अब इसे घोल देना है, फिर गरम गरम तेल में डाल रहा है, ठीक है? हो चुके हैं हम, इसको भी देख सकते हैं अभी, अब इसका टेक्सचर जो है हमें रेडनेस नहीं किया, क्योंकि फास्ट फूड दुकान में वो कलर यूज करते हैं जिससे उसका रेडनेस आता है। हमने इसमें कोई भी कलर एडिड नहीं किया, जो भी है सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। तो बेसिकली हम इसको मैरिनेट कर लिए 10 से 15 मिनट, छोड़ देंगे इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे हम कोई ब्रांड का तेल यूज नहीं करते हैं, वैसे हम नॉर्मल तेल यूज करते हैं जो कि घर में खाते हैं, बट ये सनफ्लावर का नहीं है, ये अच्छा बोलूंगा नहीं, सीक्रेट हमारा, हमारे फैमिली का सीक्रेट है। ये कुछ अलग टाइप का तेल है जो कि सनफ्लावर का टाइप है, लेकिन ये सनफ्लावर नहीं है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है। बेसिकली हमारे घर में जो भी तेल आता है उसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है, जीरो फैट्स का होता है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं भी आपका भी आशा करता हूँ, आप भी वैसे टाइप का खाना खाते हो, अगर नहीं तो देखते रहिए और सीखते रहिए। तो ये है, ये प्याज, ये शिमला मिर्च, एक लाल मिर्च, लाल मिर्च ये सादा मिर्च है, ये लहसुन, इसको हम अभी चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसको काटने के बाद देखते हैं, हमारा तेल अभी गर्म हो चुका है, अभी हमें इसके ऊपर अभी रेडो कर दी कबो काम करना है, मतलब मैरिनेशन भी अच्छे से हो चुका है। तो फिर स्टार्टेड पहले हमारा पकौड़ा जो है तल चुका, मतलब तल रहा है वो अपना, उसको 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम में तलने हैं, फिर उसको निकाल देना है, वो होते होते तो लग जाएगा 5 मिनट। उसके अंदर हम सारा वेजिस जो होते हैं उसको हम काट के रेडी करते हैं। वेजिस कट के अभी रेडी हो चुके हैं, तो ये है प्याज, शिमला मिर्च, लाल मिर्च और ये लहसुन। तो हमारा जो इंग्रेडिएंट है तो रेडी हो भी चुका है, तो अभी उधर हमारा पकौड़ा भी चल ही रहा है। तो पकौड़ा होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा फिर क्या बनाते हैं क्या नहीं। एंड जो हमारा जो कड़ी बनाने के टाइम में जो मसाला यूज होगा वो वाला हम आपको दिखाना चाहते हैं, अभी देख लो। अभी वो सारे मसाले, ये है थोड़ा लाल मिर्च, ये काला मिर्च, ये लाल मिर्च है कश्मीरी लाल मिर्च है, थोड़ा सा मेथी का पत्ता, ये नमक और ये थोड़ा सा गरम मसाला, तो आप जानते हैं आपको दिखा चुके हैं। तो ये है तो मेरा स्पेशली एक तो घोल होता है ये, जो कि टेस्ट को और ज्यादा बेहतर बनाता है।
ये एक्चुअली है रेड सॉस और ये टमाटो सॉस और सेजवान, उसका थोड़ा सा ये तो घोल है, हम उसके ऊपर डालेंगे तो ये और ज्यादा टेस्टी बनेगा। आपको दिखाते हैं कैसे करी बनानी है। इसी के लिए हमारा जो पकौड़ा है वो भी रेडी हो चुका है, तो अभी बनाने जा रहे हैं। अभी मैंने तो हमारा जो चिली का मेन रेसिपी है वो चेक करी। तो पहली बात मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, चिली पनीर में टाइम में भी बता दे रहा हूँ एक बार और से, कि इसको हम 90% तक ही पकाना है, क्योंकि उसको क्रंचीनेस रहेगा ना तभी हमको अच्छा लगता है खाने में। तो बेसिकली हम इसे 90 तक ही लेंगे, फिर चिकन डालने के बाद फिर थोड़ा सा मतलब तभी प्रेशर के अंदर आएगा तभी ऑटोमेटिकली 100% हो जाएगा। तो हमसे 90% ही तक करना है, 90% तक करेंगे। अब हम देखते हैं तेल हमारा डाल चुका है, तो अभी तो तेल हमारा डाल चुका है तो इसके ऊपर अभी वेजीज है उसको भी डालना है। अभी बेसिकली हम वेजीज डालने के बाद फिर हम ये बताएंगे क्या करें क्या कैसे क्या। पहले लहसुन डालना है, ठीक है। तो लहसुन का जो पहली बात यह है कि लहसुन पहले डालने का मेन साइंस ये है कि उसका जो है ना मतलब जो जो फ्रेगरेंस जो होता है वो पूरा माहौल को पूरा और ज्यादा मस्त बना देता है, इसलिए हम पहले लहसुन बढ़ा दिखाते हैं फिर क्या करना है क्या नहीं। जो 90% हो चुका है वो अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो पकौड़े हैं जो हमारे पकौड़े तल चुके हैं उसके अंदर डालना है। तो 3 मिनट तक मतलब हाई फ्लेम पे सिर्फ चलाना है, उसके बाद हमको ग्रेवी डालना है, ठीक है। इससे हो जो चिकन का जो टेक्सचर होता है उसका मतलब ये हो गया फ्लॉपीज, तो खाने में और ज़्यादा मजा आता है। हमारे चिकन अभी 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई हो चुका था, अब नहीं सकते हमारे तो स्पेस मसाले जो बिना से पहले मेथी को लास्ट में डालना, ठीक है। जैसे तो लास्ट में डालने साइंस क्या मेरे को पता है, को लास्ट में डालने का साइंस ये है जो होता है ना जो सुगंध वो क्या होगा बीच हम उसे क्या करेंगे इसके ऊपर मेथी का डाल देंगे फिर उसे तो मतलब ओढ़ देते हैं, तो मेथी का अंदर जो फ्रेग्रेंस होता है वो अंदर ही पूरा माहौल बहुत ज्यादा स्वीट बना देता है। तो जो गार्लिक का फ्रेग्रेंस इसका फ्रेग्रेंस मिलके पूरा माहौल पूरा बना देता है, तो खाने के टाइम में अच्छा स्वाद आता है भाई बड़ा। मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसे बनता है, ठीक है। याद रखना चिली चिकन या फिर चिली पनीर में कभी ग्रेवी पानी नहीं होता, वो सूखा होता है, ठीक है। तो हम इसके बाद में ये डाल देंगे जिसके अंदर वो धीमी आंच से पकते पकते चिकन पूरा इसके ऊपर ये डाल दिया, बस पूरा रेसिपी हमारा 99.99% कम्प्लीट हो ही चुका है। तो 2 मिनट के बाद इसे खोलना है, मेथी का पत्ता डालना है, गैस को ऑफ कर देना है। बस ऑफ करने के बाद इतना याद रखिए कभी भी उसको खोलना मत, क्यों अंदर ही अंदर वो पकी रहा है, अंदर में जो गैस होता है वो पक रहा है। तो साइंस के स्टूडेंट है वो उनको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी हमारा जो चिकन है वो 5 मिनट के अंदर रेडी हो चुका होगा। रेडी होने के बाद मैं आपको डायरेक्ट टेस्ट के टाइम में बताता हूँ कैसे हमको मतलब कैसा लगा हमको। बेसिकली हमारा वाला चिली चिकन जो रेडी हो चुका है, मैंने एक पीस लाया दिखाने के लिए आपको के पास देख रहा हूँ, कोई इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं कोई नहीं, होममेड का जो स्पाइसेस वही यूज हुआ है। तो हम इसे टेस्ट करने वाले हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं, तो ठीक है अभी सॉफ्ट हुआ है सॉफ्ट है मानना पड़ेगा सॉफ्ट है मतलब आराम से टूट गया, ऐसे प्रेशर नहीं जाना पड़े। This is real chili chicken. गजब टेस्ट है भाई, गजब टेस्ट है, मतलब मैं बता नहीं सकता इतना अच्छा टेस्ट है। तो बात भी उगने है बात भी ये है, मैंने तो बना लिया की बारी की बनाओ। आपको जो भी बनाना नहीं आता है कमेंट में डाल देना, आपका भाई है ना आ देगा।
तो होप यू गाइस आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और आपने अगर एंजॉय किया है देन कमेंट बताओ कैसे आपने एंजॉय किया इस वीडियो को। एंड आई होप कि आप भी ये घर में एक बार बनाना। चिली चिकन का तो कमेंट में आया था तो मैंने चिली चिकन बना दिया, आप भी कुछ कमेंट में करिए, आप भी एक बार बनाते हैं ठीक है। तो आपको सर को पता है को क्या करना है क्या नहीं, तो आपको यही पेंट करते हैं। बाय बाय। Yeah.